स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि हर वर्ष इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, चाहे वो कंपटीशन हो या भी 10th से लेकर 12th तक का कोई भी मतलब एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे आपके लिए। तो आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है श्वेत क्रांति, उसके बाद हम लोग जाएंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए पंचवर्षीय योजना अभी तक भारत में जो भी कितना बार हुआ और क्यों इसे बंद कर दिया गया, इसके पीछे क्या कारण था, सभी बातों का आज डिस्कशन करेंगे। पहला है श्वेत क्रांति। देखिए श्वेत क्रांति एक्चुअली है क्या, श्वेत क्रांति का मतलब, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद और क्रांति का मतलब होता है एक ऐसा, बोल सकते हैं एक ऐसा लोगों द्वारा शुरू किया गया क्रांति या एक ऐसा सरकार द्वारा चलाई गई योजना जिससे भारत के लोगों को फ़ायदा हो। और श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, यानी कि ये क्रांति था दुग्ध उत्पादन का, दुग्ध उत्पादन मतलब दूध के उत्पादन का पहले समय में, ठीक है। 13 जनवरी 1970 को इसे लागू किया गया था श्वेत क्रांति को। इस क्रांति के समय क्या हुआ कि सरकार ने ऐसी योजनाएं तैयार की जिसके तहत भारत में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को अधिक बढ़ावा मिले, दूध को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया जाए, और इसके लिए सरकार ने लोगों को कई सारी योजनाओं से जोड़ा। जैसे बहुत सारे लोगों को मुफ्त रूप से क्या किए कि ऐसे संयंत्र लगा के दिए, ऐसे रोजगार दिए जिनसे वो क्या करे दुग्ध उत्पादन को बढ़ा सके, जिसमें गायों को, बकरियों को, ऊँट को और पाल के दुग्ध उत्पादन की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। देखिए इसे जो है ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। इस जो क्रांति है जिसे हम लोग अभी श्वेत क्रांति बोल रहे हैं, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। यह योजना जो थी सरकार की उन बहुउद्देशीय परियोजना में एक थी जिसके द्वारा भारत में हो रहे दूध की कमी को पूरा किया जाए, साथ ही साथ भारत जो है इसका निर्यात भी कर सके। देखिए ये जो एक तरह का योजना था ये भारत में इसलिए ज़्यादा कारगर साबित हुआ क्योंकि भारत में 72% क्षेत्र जो है वो गांव का है, और गांव का क्षेत्र होने के कारण भारत जो है इस क्षेत्र में वर्क करने में ज़्यादा लेबर पावर लगा सकता था। आपको ये जानकर खुशी होगा कि विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन भारत करता है। भारत हर वर्ष 114 × 10⁻⁹ kg पर ईयर के हिसाब से दूध का उत्पादन करता है। इसके बाद जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है जो 75.9 × 10⁻⁹ kg पर ईयर दूध उत्पादन करता है। उसके बाद हैरानी की बात है कि पाकिस्तान तीसरे नंबर में 35.2% दूध का उत्पादन करता है, और चौथा नंबर में वो छोटे नाक वाला चाइना बाबा जो है वो 32.3% दूध का उत्पादन करता है। इस तरह से भारत जो है इसने श्वेत क्रांति के तहत क्या किया, जितने भी भारत में क्षेत्र थे, जो गांव के इलाके थे, वहां पर डेयरी फॉर्म को खुलवाया, बड़े बड़े डेयरी फॉर्म की योजनाएं तैयार की। आज भारत में 400 से भी अधिक डेयरी फॉर्म लगाए जा चुके हैं, डेयरी संयंत्र लगाए गए हैं जहां पर लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और सरकार लगातार प्रयासरत है। पिछले साल सरकार ने कई क्षेत्रों में गायों को क्या किया, लोगों को दिया ताकि वो पालन पोषण करें और उससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करें। देखिए भारत के दुग्ध उत्पादन या श्वेत क्रांति में बहुत मुख्य भूमिका कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी जाता है, जैसे अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, इन सभी ने, सुधा दूध हो गया, इन सभी ने क्या किया बहुत ज़्यादा मात्रा में इस योजना को आगे बढ़ाया। लगातार इन लोगों ने क्या किया, लोगों को रोजगार देकर के छोटे छोटे गांवों से महिलाओं या बच्चों या फिर बड़ों को, सभी को इस काम में सभी ने मिलकर योगदान दिया और गायों की सेवा की, ऐसे मवेशियों की सेवा की, भैंसों की सेवा की, और उनसे दूध प्राप्त करके क्या किया उन्हें एक योजना के तहत जोड़ा। और इस तरह से भारत जो है दुग्ध उत्पादन में सबसे ऊपर है। भारत का जो लगभग आबादी जो है 130 करोड़ यहाँ की जो जनता है, ये लगभग 120 करोड़ की जनता तक हर दिन दूध पहुँचता है, और इसमें भारत की कठिन मेहनत है जिसमें भारत के जन लोगों ने, भारत जन प्रतिनिधियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। जन प्रतिनिधियों द्वारा बहुत ऐसे काम किए गए, सरकार ने ऐसी योजनाएँ बनाई, ऐसे यानी नई नई योजनाओं की शुरुआत की जिससे क्या हो सके, यहाँ के किसानों को सहायता मिली, और इस तरह से श्वेत क्रांति जो था भारत में लागू हुआ। देखिए अब हम लोग अगला टॉपिक में जाते हैं, ये है भारत का सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब भारत की ऐसी परियोजनाएं जिसे पंचशील परियोजना कहते हैं। देखिए ये परियोजनाएं इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि इसे विकास के उस पहाड़ तक पहुँचना था, उस पहाड़ में चढ़ाई करना था जिससे भारत जो है एक सुपर पावर बन सके, और इसके लिए भारत में
1951 से एक ऐसी परियोजनाओं की शुरुआत हुई जो हर 5-5 साल के लिए काम करती थी। इस 1951 में शुरू हुई परियोजना में सबसे पहला था, जो पहला परियोजना था, इसे कहा गया पंचशील परियोजना। ये एक सीढ़ी के तरह हर 5 वर्ष का एक समय अंतराल होता था। इस समय अंतराल के अंतर्गत सभी कामों को सरकार करती थी और मुख्य उद्देश्यों को, टारगेट को, लक्ष्य को पूरा करती थी। सबसे पहले पहला जो पंचवर्षीय परियोजना था, ठीक है, ये 1951 से 1956 तक चला। इस परियोजना के तहत सरकार ने 2068 अरब रुपए खर्च किए और इसमें सबसे बड़ा योगदान था सरकार का कि ऐसे क्षेत्र में पैसा लगाना जहां से सरकार को क्या हो और यहां के लोगों को, भारतीय लोगों को ज़्यादा फायदा हो। और इसके लिए सरकार ने उस चीज़ को चुना जो जिसके लिए भारत प्रचलित था, मतलब कृषि प्रधान भारत। आपको पता ही है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान होने के कारण सरकार ने ऐसी परियोजनाओं को बनाया, ऐसे नियम को तैयार किया, ऐसा मैप तैयार किया जिसके तहत यहाँ के लोगों को कृषि द्वारा रोजगार भी मिले और यहाँ की भुखमरी भी खत्म हो और यहाँ का आर्थिक विकास भी हो। इसके लिए सरकार ने फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च 1956 तक, यानी कि फर्स्ट अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक ऐसी योजनाओं को चलाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ कृषि पद्धति को बढ़ावा देना था। इसके लिए सरकार ने हेराल्ड और डोमेर नाम के दो बहुत ही बड़े अर्थशास्त्रियों का सहारा लिया, उनके मॉडल को अपनाया। नाम याद रखिएगा, हेराल्ड और डोमर। इन्होंने क्या किया, इनके जो मॉडल बने हुए थे पूरा, उस मॉडल को अपना करके इन्होंने क्या किया, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर दी। इसमें सबसे मुख्य रखा गया था कृषि विकास योजना, उसके बाद रखा गया हीराकुंड डैम, उसके बाद दामोदर डैम, फिर आपका भाखड़ा नंगल डैम, इनको बनाया गया। अब इनको बनाने का क्या कारण था, इनको बनाने का कारण ये था ताकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई मिल सके। इन डैमों के द्वारा पानी की एक बड़ी मात्रा को इकट्ठा किया जाता था और उन्हें सूखे ग्रस्त इलाके या फिर जो इलाकों में कृषि होती थी वहाँ तक पहुँचाया जाता था। इसका लक्ष्य था 2.1%, इसको निर्धारित किया गया था सरकार ने कि 5 वर्षों में हमें 2.1% दर तक पहुंचना है और इस लक्ष्य को पार कर गया। मतलब जब ये पूरा 5 वर्ष पूरा हुआ इस परियोजना का तो सरकार बहुत खुश हुई क्योंकि इस परियोजना ने 3.6% विकास दर दिया था, लक्ष्य था 2.1% का और मिला कितना, 3.6%। तो इसका मतलब सरकार इसमें फायदे में थी। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था क्योंकि इससे कृषि पूरा पद्धति जो था बहुत बदला, लगातार लोगों में रोजगार बढ़ रहा था और लोग किसान या कृषि की ओर ज़्यादा अग्रसर हो गए थे। इस तरह से हम लोग देखें कि पहला पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था। अब हम लोग जाते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, ये पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक हुई और इस बीच में सरकार ने इस बार सबसे अधिक जो अपनी प्राथमिकता थी वो उद्योगों को दिया, क्योंकि पहली बार तो सरकार ने कृषि को दिया था जिससे भारत की जो आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें भुखमरी शामिल था, लोगों को खाने पीने का जितना भी तरह का दिक्कत था उसको दूर किया गया। और उसके सफलता होने के बाद सरकार ने उद्योगों पर ध्यान दिया और सबसे बड़ा प्राथमिकता लगाया औद्योगिक विकास में। और इसके लिए सरकार ने पीसी महालनोबिस का जो मॉडल था उसको क्या किया, अपना आधार बनाया। याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस, इनके द्वारा क्या किया, इनके मॉडल को अपना करके सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारण किया कि हमारे देश में ऐसे उद्योगों को अधिक बढ़ाया जाएगा जो क्या करेंगे, सरकार को और लोगों को एक अच्छी नीति के तहत आगे बढ़ाएगा और लोगों को एक सही रोजगार मिलेगा। क्योंकि अब तो कृषि पद्धति आगे बढ़ रही थी, अब इसे भी आगे बढ़ाने से क्या होता है कि लोगों के पास एक आर्थिक, बोल सकते हैं, ताकत आता, सरकार के पास एक आर्थिक खजाना उनका बढ़ता, देश का खजाना बढ़ता, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता था। और इसके लिए औद्योगिक विकास करना बहुत ज़रूरी था। सरकार ने इसके लिए 4.5 विकास दर को निर्धारित किया, लेकिन इसमें 4.2% ही सरकार को विकास लक्ष्य था वो प्राप्त हुआ। कारण ये था कि सरकार पूरी तरह से टेक्नोलॉजी में एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी और बहुत हद तक हुई थी, क्योंकि 4.5 विकास दर को प्राप्त करना था और मिल कितना रहा था, 4.2। अब दूसरा चीज़ कि इसी योजना के तहत राउरकेला,
दुर्गापुर और आपका जाके भिलाई में पहली बार लोह इस्पात संयंत्र को लगाया गया, जिसमें रूस ने भारत की बहुत हेल्प की थी। भारत जो था पूरी तरह से अब औद्योगिक क्षेत्र बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर खनन प्रक्रिया और लोह इस्पात उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रहे थे। इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा था, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को रोजगार मिला है। और इस रोजगार के तहत आज जमशेदपुर और आप धनबाद जैसे क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ लोगों के घर जो है और आर्थिक स्थिति बहुत सुधरा हुआ है। उसके बाद एक और इसमें क्लब की स्थापना की, जिसका नाम था भारत सहायता क्लब। इस क्लब को भी दूसरी परियोजना के तहत, यानी जो दूसरा पंचवर्षीय परियोजना था, उसी में इसको शुरू किया गया था। देखिए, ये परियोजनाएं जो थी, जो दूसरी परियोजना, इसमें सरकार ने मुख्य रूप से, याद रखिए, मुख्य रूप से उद्योगों पर अपना फोकस किया था। और ये परियोजनाएं जो थी लगभग सक्सेसफुल थी। और इसके तहत सरकार ने क्या किया, आर्थिक रूप से लोगों की भी मदद की थी, क्योंकि लोगों को सरकार लगातार क्या कर रही थी, बैंकों से पैसे दिलवा रही थी और वो उससे व्यापार कर रहे थे, उद्योगों में लगा रहे थे। खनन व्यापार में ज़्यादा वृद्धि हो रहा था, लोगों को लगातार रोजगार मिल रहा था, कई लोगों को अपने लोकल क्षेत्र में बहुत सारे काम मिल रहे थे। तो इससे लोग कृषि भी कर रहे थे और अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार रहे थे। अब हम लोग चलते हैं, देखिए, तीसरे परियोजना में। तीसरा परियोजना क्या था, तो देखिए, अब हम लोग जाते हैं तीसरी पंचवर्षीय परियोजना क्या थी। ये पंचवर्षीय परियोजना 1961 से 1966 तक चली थी। इस परियोजना का शुरुआत 1 अप्रैल 1961 में हुआ था और इसका जो अंतिम डेट था वो था 31 मार्च 1966। अब गौर करिएगा इस परियोजना में होता क्या। सरकार ने इसमें आत्मनिर्भर भारत को जन्म देने का प्रयास किया। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग था, इन दोनों को मिला दिया सरकार ने। सरकार ने क्या किया, अब देश को आत्मनिर्भर बनाना शुरू किया। मतलब कृषि और उद्योग, इन दोनों को तीसरी पंचवर्षीय परियोजना में जोड़ दिया गया। इसके तहत सरकार ने लक्ष्य रखा कि 5.6% विकास दर को बढ़ाया जाएगा। विकास दर को प्राप्त करने का कितना लक्ष्य था, 5.6%, लेकिन इसका आधा सरकार को प्राप्त हुआ, यानी कि 2.8%। इसका कारण क्या था वो बताता हूँ मैं। देखिए, 4 वर्ष ये परियोजना चली थी, इसका और बहुत सारा कारण है। पहला कारण मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला कारण, ये परियोजना का डेट याद रखिए 1961 से 1966 तक। और गौर करना होगा 1962 में भारत और चीन युद्ध हो गया, भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी, क्योंकि जब भी कोई देश युद्ध लड़ता है तो उसकी क्या होती है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। दूसरा मार जो पड़ता है भारत को, 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध होता है, इसमें भी भारत चलो जीत जाता है, लेकिन फिर भी तो आर्थिक स्थिति कमजोर हुई ना। लगातार क्या हुआ कि दो दुश्मन देश भारत पर हमला किए, तो भारत का, वैसे तो भारत हाल फिलहाल में मतलब 10-15 साल पहले ही आज़ाद हुआ और अब फिर उसे युद्ध करना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, फिर भारत का एक क्षेत्र जो, यानी आर्थिक स्थिति का जो क्षेत्र था वो कमजोर पड़ गया। आर्थिक स्थिति का क्षेत्र तो कमजोर पड़ेगा ना। अब तीसरा मार, 1966 में भारत में सूखा पड़ गया। उस वर्ष जो है चारों ओर जो था खेत सुनसान हो गए। तो ये सूखा पड़ने के कारण क्या हुआ कि भारत का जो चौमुखी विकास होने वाला था, ये तीन घटनाओं ने क्या किया, उसे नेस्ते नाबूद कर दिया। भारत की आर्थिक स्थिति वहां बहुत कमजोर हो गई। लेकिन सरकार ने यहाँ पर अपना विवेक बुद्धि का पूरा उपयोग किया, सरकार ने इन योजनाओं को खत्म हुआ, पूरी तरह काम नहीं हुआ, क्योंकि कहां लक्ष्य 5.6% का था और मात्र 2.8% मिला। इसके बाद भी सरकार ने हिम्मत नहीं हारा, सरकार ने इसके बाद प्रतिवर्ष परियोजनाओं को निकाला। 3 वर्षों तक चला था, 1966 से 1969 तक, 1966 से 1969 तक एक परियोजना चलाई गई, जिसमें प्रतिवर्ष परियोजना जिसको कहते हैं, यानी हर एक एक वर्ष में ये परियोजनाएं बदलती थी। और देखिए, अब बात है कि जो तीसरी परियोजना थी उसमें ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ था, चलो हम लोग पीछे तो रह गए, लेकिन काम भी हुआ था। इसमें पहली बार नाबार्ड की स्थापना की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पूंजी दिया जाता था कि वो खेती करें, कृषि करें, व्यापार करें और अपने आर्थिक स्थिति को सुधारें। साथ ही साथ 1975 में ही TPP, मतलब 20-point program, इसको लागू किया गया। इस TPP के तहत क्या किया गया, सरकार उन क्षेत्रों में अपना विकास ज़्यादा करवा रही थी या उन क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान दे रही थी जहाँ पर लोगों की बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी। उत्तर भारत और पूर्वी भारत जो था इससे बहुत ज़्यादा त्रस्त था, इसलिए सरकार ने उन क्षेत्रों को इसमें ज़्यादा एक्टिव किया, क्योंकि ये क्षेत्र जो थे ये पूरी तरह से कृषि प्रधान नहीं थे, तो सरकार ने उन क्षेत्रों में इसका ज़्यादा निवेश किया ताकि वहाँ के लोगों को कम हानि हो। ये जो पूरा प्रोग्राम था इस परियोजना के तहत, ठीक है, इस परियोजना को
मुख्य बल कब मिलता है, 1975 में इसको मुख्य बल मिलता है, क्योंकि एक रोलिंग प्लान था, सरकार जो थी वो तो विफल हो चुकी थी, लेकिन एक रोलिंग प्लान चलाया गया जिसको मुरारजी देसाई ने, यानी कि उनके अध्यक्षता में शुरू करना था, लेकिन हो नहीं पाता है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। बनाया गया था पिछड़े वर्ग के जो देश है उनके लिए बनाया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं कर पाया गया, क्योंकि जिस समय इसे बनाया गया या जब इस मॉडल को लाया गया उस समय भारत का स्थिति बहुत ख़राब हो गया था। इसलिए 1975 में इसे लाने वाले थे मुरारजी देसाई, जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे भारत के पहले, ठीक है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने के कारण उन्होंने इसे लागू करने का प्रयास किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। अंततः ये तीनों परियोजनाओं को आपने अच्छी समझ, आप समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह इसको यानी घटित किया गया, किस तरह भारत में ये हुआ। साथ ही साथ 2017 में इस परियोजना को ख़त्म कर दिया गया, जो अभी तक भारत में 12 परियोजनाएं चली है 5-5 वर्ष करके, और 2017 में लास्ट परियोजना चली थी, उसके बाद हमारी सरकार ने इसे चेंज करके एक दूसरी परियोजना को चालू किया जिसका नाम है नीति आयोग। जो पंचवर्षीय परियोजना थी उसको हटा के सरकार ने नीति आयोग नाम की एक परियोजना को चालू किया जो अब चल रही है, और इस तरह से भारत जो है लगातार विकास करते गया। तो आज का जितना भी पॉइंट्स था, आशा करते हैं आपको सभी पॉइंट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।